माननीय एसपी साहब राजेश मीणा जी, हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, एसएचओ साहब, अन्य समस्त पुलिस कर्मी, हमारे जो यहाँ पे पुलिस के जवान हमारे साथी मौजूद हैं, और हमारे आदरणीय यहाँ पे मौलवी साहब, हमारे सभी चौधरी, सरपंच साहब, अन्य गणमान्य व्यक्ति, और आप सभी जो हमारे यहाँ पे भाई, काका, चाचा, ताऊ, सभी लोग जो बैठे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि यहाँ पे जितने भी हमारे बुजुर्ग बैठे हुए थे, हमारे साथी बैठे हुए थे, डॉक्टर आर्य बैठे हुए थे, और जितने भी सरपंच साहब बैठे हुए थे, इन सबने आपको जितनी बातें और जितने तरह से समझाई जा सकती है मेरे ख्याल से समझा दी, और इससे ज्यादा स्पष्ट तरीके से नहीं बताया जा सकता कि हमारी मंशा क्या है और फाइनली इसमें हमारा फायदा क्या है। जो चीज हमें तात्कालिक फायदा लग रहा है उसकी कहानी भी आपको सुनाती मौलवी साहब ने, किस तरीके से किसी एक व्यक्ति को सोने का अंडा देने वाला सांप जरूरी लग रहा था और फाइनली उसके परिवार की क्या स्थिति है। उसी तरीके से आपको ये समझना चाहिए कि आज जो चीज हमें अच्छी लग रही है कि बड़े आराम से घर बैठे बैठे हजारों लाखों करोड़ों रुपए हमारे पास आ जा रहे हैं और बड़े बड़े मकान और अट्टालिकाएं बन गई हैं, किसी ने बड़े प्लॉट खरीद लिए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि जिन लोगों ने अपराध से अचल संपत्ति बनाई है, मतलब मकान, प्लॉट, दुकान, उनको भी सीज किया जा सकता है, उनको भी जब्त किया जा सकता है और उसको सरकार अपने कब्जे में ले सकती है, और वो कार्रवाई हम लोगों ने शुरू कर दी है। तो अगर आपको ये लगता हो कि नहीं, ये हमारे देखते देखते बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो वापस उसको सड़क पे भी आप लोग इन्हीं तीन चार सालों में वापस आते हुए भी देख लेंगे, और उसको आप अपना आदर्श नहीं बनाइए, उसको अपना हीरो मत बनाइए, इसके लिए भी ये करना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। गावड़ी में मैं बहुत दिनों से आना चाहता हूं और उसके पीछे कारण यह था कि जिस दिन झेंझपुरी में अपनी मीटिंग हुई थी, यहाँ के बहुत सारे लोग वहां पर थे और वो सब फिर अलग से मंच पे आकर के मिले, मैं और एसपी साहब दोनों ही वहां पे थे, हम दोनों से मिले और उन्होंने कहा कि साहब गावड़ी में हमने कुरान पाक की कसम खाई है कि अब गावड़ी के अंदर कोई भी साइबर क्राइम, गो हत्या, गो तस्करी, गो मांस खाने का काम नहीं, और हमने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मान करके ये कसम खाई है और हम चाहते हैं कि आप ही आकर के किसी तरीके की मीटिंग हमारे गावड़ी में करें। उस दिन से ही मेरे मन में यहाँ पे आने की बहुत इच्छा थी कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं, अपने भाइयों के बीच में आऊं और आकर के इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूं। एक्चुअल में गावड़ी में बहुत दिनों तक तो न के बराबर कोई लोकेशन नहीं आ रही, जीरो आ रही थी, मैंने काफी दिनों तक देखा उसको, ट्रैक किया, तो मैं ये तो मान गया कि जो हमारे निवास के लोग हैं वो जबान के पक्के हैं, इन्होंने अगर एक बार जबान दे दी, एक बार अगर कुरान शरीफ की कसम खा ली तो खा ली, और उसका उदाहरण ये गावड़ी गांव है जहां आज भी न के बराबर ही लोकेशन आ रही, तो इस बात के लिए मैं आज सभी को पहले से आपका शुक्रगुजार हूं, आपके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं और मैं चाहूंगा कि ये चीज यहां पे बनी रहे, अपने को इससे पीछे नहीं हटना है, और जैसा चाचा ने बताया कि सारे अपने जो चौधरी हैं उनको बिठा करके हम तय कर देंगे 15-20 गांव जो हमारे यहां के हैं कि कोई भी अब गो तस्करी, साइबर क्राइम जैसे अपराध में लिप्त नहीं होगा और अपराध को छोड़ करके हम निवार के भविष्य का नवनिर्माण करने की शुरुआत करेंगे। जैसा कि यहां पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे इसी मेवाड़ से बहुत सारे आईएएस हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, अलवर से आईपीएस ऑफिसर भी है मेवाड़ से हमारे, और प्रशासनिक सेवाओं में बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं।